जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आखिर कब आएगी? वेल, यह जो सवाल है वह बहुत ही जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके बीच काफी चर्चा का रहता है कि आखिर कब जेएलओ जो है अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगा। वेल, ऐसे संभावित बताया गया है कि जो मई से जून के बीच में ऐसा नोटिफिकेशन आ सकता है कि वहाँ पर जो फॉर्म निकलेंगे और सबमिट भी हो जाएंगे इतने ड्यूरेशन के बीच में, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा कुछ आया नहीं है, यह सिर्फ संभावनाएं जताई जा रही है। तो अभी जो जूनियर लीगल ऑफिसर है इसके लिए जो यह ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वह कब तक आएगा इस पर भी अभी चर्चा की जा रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि संभावनाएं हुई है कि मई टू जून के एक जो ड्यूरेशन बताई जा रही है, तो बहुत यह एक गुड न्यूज़ भी है कि हो सकता है कि जो जूनियर लीगल ऑफिसर का जो ये एग्ज़ाम है वहाँ जो कंडक्ट करवाएगी तो उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या जो उसका जो ये है जो ये टाइम है वह यही रहेगा। वेल, इसके बारे में अपडेट रहने के लिए जो आप है जो है rpsc.rajasthan.government.in की वेबसाइट पर आप जो है इसको चेक करते रहिए। बहुत ही जल्द आपको यहां से गुड न्यूज मिल सकती है कि आपका जो JLO का नोटिफिकेशन है वह आ चुका है। बात करते हैं जूनियर लीगल ऑफिसर की। तो जूनियर लीगल ऑफिसर की जो वैकेंसी होती है नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ राजस्थान स्टेट की, तो यहाँ पर यह जो वैकेंसी बहुत ही कम निकलती है, बहुत ही कम निकलती है। अभी अगर हम मैं पिछले 10 साल की अगर बात करती हूँ तो 10 साल में सिर्फ 2 बार ही है वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो आप देख लीजिए कि इतना कम जो इसका ये है कि इतने कम इसमें वैकेंसी निकलती है, साथ ही इसकी पोस्ट भी एकदम ज़्यादा नहीं होती है कि हज़ारों में इसको पोस्ट मिल रही है। इसकी पोस्ट जो भी होती है वह भी 100-200 तक ही रहती है मैक्सिमम। तो अभी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आता है या कैसे इस पर संभावनाएं होती है इस पर बात चल रही है। इससे पहले कि मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो जूनियर लीगल ऑफिसर अगर आपको बनना है तो आप इसकी तैयारी कैसे करोगे। जूनियर लीगल ऑफिसर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जो भी इसके सिलेबस में दे रखे हैं उसको आपको एकदम डीप इसकी स्टडी करनी है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वह बिल्कुल बीचों बीच में से पूछे जाते हैं। लाइक आपको एकदम से ही अंदाज़ा नहीं रहेगा कि एकदम पास पास में सेक्शन 1, 2, 3, 4 इस तरह से पूछ लिया जाएगा। यह क्वेश्चंस पूछने का यहाँ पे जो पैटर्न होता है वह ये होता है। दूसरा ये भी है कि जो RJS होता है और जो JLO होता है दोनों ही लीगल एग्जाम्स हैं और दोनों में लगभग सेम ही सब्जेक्ट्स भी होते हैं। कुछ एक सब्जेक्ट जो रहते हैं वह जूनियर लीगल ऑफिसर्स के अलग रहते हैं, डिपेंड कि उनका कौन से डिपार्टमेंट में है या कौन से सिलेबस उन्होंने जो है जूनियर लीगल के सिलेबस में डाला है, तो वहाँ पे कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको अलग पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन जो सेम सब्जेक्ट है लाइक CRPC, IPC, एविडेंस जो जरूरी वाले होते हैं, या मैं बात करती हूँ हिंदी की हिंदी ग्रामर जो है या इंग्लिश ग्रामर जो है और इंटरव्यू है, तो कुछ स्टेप्स भी है वो भी बिल्कुल सेम होने वाले हैं। चीज़ें यहाँ पे ये है कि जो जूनियर लीगल ऑफिसर के जो एग्ज़ाम होते हैं वह 2 पारी में कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक जो होता है उस दिन आपके 2 पेपर लगेंगे वहाँ पे, और जो दूसरे दिन आपके वापस से 2 पेपर लगेंगे। इस तरह करके आपके 4 पेपर जो है जूनियर लीगल ऑफिसर्स के करवाए जाएंगे। इसके जो बहुत ज़रूरी यह भी है कि जब आप पासिंग मार्क्स होते हैं वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको हर एक पेपर में जो 4 पेपर आपने एग्ज़ाम के दिए हैं उन 4ों में ही आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट में जो है बहुत अच्छे मार्क्स जो लेकर आ गए हैं लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में आपके पासिंग मार्क्स नहीं बने हैं और बाकी 2 में वापस आपने पासिंग मार्क्स लेके आ गए हो, तब भी आपका जो रिजल्ट है वहाँ पे फेल होगा। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपका हिंदी भी स्ट्रांग होना चाहिए, साथ ही में आपके जो भी सिलेबस में दिए गए लोग के सब्जेक्ट्स हैं और जो नए सब्जेक्ट्स हैं उन सब पे आपकी कमांड होनी चाहिए। और क्योंकि जूनियर लीगल ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज है ये बहुत ही कम आती है, इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो जो है ये पसंद आया होगा और आज से ही आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए।
बाकी जूनियर लीगल ऑफिसर्स में किस तरह के क्वेश्चंस और मिलते हैं या किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये सब बताऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं इस पर काम करना शुरू करूं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जो है इस तरह की लीगल अपडेट के लिए खुद को अपडेट रखें और खुद जो है आप इसमें आपको ये रहेगा कि मेरा जो उद्देश्य है वह यही है कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल भी भ्रामक चीज़ें मैं ना बताऊं और उनको स्टेप बाय स्टेप सही जो चीज़ें हैं वह मैं बताऊं और कोर्ट प्रोसीडिंग से लेके या तो तैयारियों वाला जो भी आपका फील्ड है उन दोनों ही फील्ड में अगर मेरा वीडियो बनता है तो मैं आपको सही जानकारी वहाँ पर दूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।